केले से भरे ट्रक में पुलिस को अवैध डाटा चूरा मिला। पुलिस ने डाटा चूरा सहित ट्रक जब्त कर ट्रक चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया। वहीं ट्रक के अंदर से 900 किलोग्राम अवैध डाटा चूरा पकड़ने में सफलता मिली। ट्रक मंदसौर से चलकर रतलाम की ओर जाने वाला था। अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ की यह कार्रवाई जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा की गई। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा और जावरा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश शर्मो के मार्गदर्शन में औद्योगिक क्षेत्र में थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम के नेतृत्व में टीम गठित कर सूचना पर तत्काल टीम रवाना की। भैसाना फंदा नीमच महू रोड जावरा पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद सूचना अनुसार सफेद रंग का अशोक लीलैंड कंपनी का ट्रक आता दिखाई दिया। इसको घेराबंदी कर रोका। ट्रक चालक का नाम पता पूछने पर नाम विजेंद्र कुमार निवासी हरियाणा बताया। कंडक्टर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गगनदीप हरियाणा का होना बताया। ट्रक की तलाशी लेते हुए ट्रक में कुल 45 कट्टों में भरा 900 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा और कच्चे केले 4.5 टन भरा होना पाया गया। इसे मौके पर जब्त कर कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर अपराध धारा NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आइए, जावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर ऊपर से केले भरे हुए दिख रहे थे, मगर अंदर से लगभग 900 किलो 9 क्विंटल डोडा चूरा जो है वो उनका परिवहन किया जा रहा था। उसको आइए जावरा पुलिस ने पकड़ा है। मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।